हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम. दिस इज डॉक्टर हदी हेयर. अस्सलाम वालेकुम. आज फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये MBBS लेवल के लिए बी है और FSC वालों के लिए बी है. टॉपिक का नाम व्हाइट बोर्ड पर मेंशन है पहले से. और जैसे कि पता है, ब्लड प्रेशर एंड हाइपरटेंशन, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है. अगर आप देखिए तो आपको अक्सर हाइपरटेंशन वाला लफ्ज़ नज़र आएगा अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं. और अगर यहाँ पर आप देखते ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर एक मेडिकल वर्ड भी है, साथ साथ ये फिजिक्स से भी रिलेटेड है. तो ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन दोनों को आज आपको समझाते हैं. थोड़ी बहुत फिजिक्स भी इसमें यूज़ होगी. इसे समझाने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा कि मेरा दूसरा चैनल भी है, मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हदी के नाम से. उस चैनल में आपको मास्टर लेवल के मेडिकल लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी. आप वहाँ पर भी जाकर उस चैनल को भी अपने लिए सब्सक्राइब करें, ठीक है. ब्लड प्रेशर को आज हम लोग, अच्छा, ब्लड प्रेशर से पहले अगर हम लोग प्रेशर की तरफ आ जाते हैं कि प्रेशर क्या चीज है. प्रेशर असल में एक फिजिक्स का एक लफ्ज है, फिजिक्स का वर्ड है, जिसको हम लोग इस तरह कहते हैं कि अगर किसी सरफेस पर हम कोई फोर्स लगा दें और उस सरफेस का कोई ना कोई एरिया तो होगा, तो ये फोर्स और एरिया का जो रेशो आ रहा है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, प्रेशर का नाम देंगे, ठीक है. सो ये एक 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 लफ्ज है प्रेशर का. फोर्स अगर आप लगाओगे किसी सरफेस पर, उसका एरिया तो होगा जरूर. जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड पर ये सारा इतना सारा बड़ा एरिया है, इस पे भी आप फोर्स लगा सकते हैं. अगर आप एक छोटे से एरिया पर फोर्स लगाओगे तो उसको भी आप कहते हैं कि ये आपने प्रेशर एग्जर्ट किया. अब जो प्रेशर का लफ्ज़ है, ये अक्सर अवकात लिक्विड के साथ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. लिक्विड किसी पाइप के अंदर, लेट सपोज ये एक पाइप है, कोई जनरल सा पाइप है, रबड़ वाला है या स्टील वाला पाइप है, इट्स जस्ट अ पाइप. और इस पाइप के अंदर अगर आपका कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, यहाँ पर कोई लिक्विड इस तरह से फ्लो कर रहा है, अच्छा मैं इधर लिख लेता हूँ लिक्विड, तो क्या होगा कि वो जो लिक्विड है वो इस पाइप की दीवार पर, वॉल पर, अंदर की तरफ से क्या करेगा, एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, ठीक है. तो ये जो आपको एरोज नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ये फोर्स है जो आपका लिक्विड उस पाइप की दीवार पर एग्जर्ट कर रहा है. तो चूंकि यहां पर फोर्स आ गया और साथ साथ ये उस पाइप का एरिया भी तो है ना, पाइप का एरिया भी है, लिहाजा इस फोर्स और एरिया के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर. यानी सादा अल्फाज में कि पाइप के अंदर इस लिक्विड का एक प्रेशर है. अब ये जो फोर्स है, इसको आप ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं. अगर आप इस पाइप के वॉल को बड़ा करोगे, उसके डायमीटर को बड़ा करोगे, फिर भी ये फोर्स लगाएगा, फिर भी ये प्रेशर होगा, लेकिन प्रेशर फिर चेंज होगा, कम से ज़्यादा होगा या ज़्यादा से कम होगा, चेंज होता जाएगा. तो एक प्रेशर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको मैंने फिजिक्स से बता दिया. अब अगर हम लोग आ जाते हैं ब्लड प्रेशर की तरफ, अगर हम आ जाए ब्लड प्रेशर की तरफ, अगर हम आ जाए तो देखो, आपका जो ब्लड है खुद वो एक लिक्विड है. अभी देखो, अगर मैं यहाँ पर इस लिक्विड के बजाय अगर मैं यहाँ पर ब्लड लिख दूँ, ठीक है, और इस पाइप को, पाइप के बजाय इसको अगर मैं कोई वेसल लिख दूं, कोई आपका ब्लड वेसल लिख दूं, तो अब आपका ये कोई ब्लड वेसल हो गया. अब ब्लड यहाँ पर जब फ्लो करेगा तो ब्लड उस वेसल के दीवार पर कोई फोर्स एग्जर्ट करेगा, या तो वो ब्लड उसके अंदर वॉल पे फोर्स एग्जर्ट करेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो वॉल है वो ब्लड पर फोर्स अप्लाई करे. तो दोनों केस में कंडीशन सेम है, हम उसको क्या नाम देंगे, ब्लड प्रेशर का नाम देंगे, ठीक है. तो अब जो ब्लड प्रेशर है, ये हमारे पास दो तरह की है. ब्लड प्रेशर इज ऑफ टू टाइप्स. नंबर वन इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर,
सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अच्छा मैं लिखता हूँ सिस्टोलिक बीपी, और दूसरा जो है वो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये दो तरह के प्रेशर है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इन दो टॉपिक को समझने के लिए अब हम आ जाएंगे हार्ट के डायग्राम की तरफ। अगर मैं हार्ट की डायग्राम की तरफ आ जाऊं तो लेट सपोज दिस इज योर हार्ट, और यहां पर आपका ये हार्ट है एंड दिस इज योर, ये मैं आपको आज की इसमें डायग्राम में सिर्फ आपको हार्ट के सिर्फ दो चैम्बर बता रहा हूं, ठीक है, जो काम के चैम्बर है। ये रहा आपका राइट वेंट्रिकल और ये रहा आपका राइट एट्रियम। इस तरफ आपका, इस तरफ जो आएगा दैट विल बी योर लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो अब काम की चीज अगर डिस्कस करने हैं तो उसमें हम लोग आपको लेफ्ट वेंट्रिकल को ही बताएंगे, यानी अगर आपने ब्लड प्रेशर को समझना है तो यहां पर हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल को ही फोकस करेंगे। राइट वेंट्रिकल की हमें आज जरूरत नहीं है शो करने के लिए, तो उसको मैं यहां से अब मिटा देता हूं, ठीक है। इसको मैं अभी ऐसे मिटा देता हूं, ठीक है। सो वी हैव ओनली राइट वेंट्रिकल, ये हमारे पास है सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी। अच्छा, अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, आपको मैं ये भी बताता चलूं कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर से एक पाइप निकला हुआ है। उस पाइप का नाम क्या है, वो एक बड़ा सा पाइप है और उस पाइप का नाम हमने रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, एओर्टा हमने रखा हुआ है। ये जो एओर्टा है ये एक ऐसा ब्लड वेसल है जो दिल से हार्ट से खून को एक प्रेशर के साथ लेके पूरे जिस्म को सप्लाई करता है, ये है एओर्टा। अब एओर्टा के अंदर अगर आप देखें, एओर्टा का ये जो दीवार है अगर आप देखें, तो इस पाइप में और आम पाइप में एक बहुत बड़ा फर्क है। एक आम पाइप की जो दीवार है वो सख्त हो सकते है, ठीक है, उसमें लचक नहीं होता, लेकिन ये जो आपका एओर्टा है ये रबर की तरह है, लचक रखता है, इलास्टिसिटी रखता है। इसके अंदर ये सलायत है कि ये तंग होके अगर इसके अंदर लिक्विड आ जाए, लिक्विड एक 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 प्रेशर के साथ इसके अंदर आ जाए, तो वो लिक्विड इस पाइप को, इस खून के रग को बड़ा कर सकते हैं, ऐसे, राइट। ये इस वक्त आपका जो खून का रग है वो तंग है, नैरो है, कॉन्स्ट्रिक्ट है, लेकिन अगर इसके अंदर लिक्विड आ जाए तो इसकी अपनी लचक की वजह से, वो लिक्विड इसको पल्स देकर डायलेट कर सकता है, राइट। सो यहां से इस वेंट्रिकल से एक एक फोर्स लगेगा लिक्विड को, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक फोर्स के साथ ब्लड जो है आपका ब्लड यहां से बाहर आ जाएगा इस एओर्टा के अंदर। लाजमी सी बात है कि जो प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट है वो यहां से स्टार्ट हुआ, कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से प्रेशर आपका स्टार्ट हुआ। अब ये जो प्रेशर है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जनरेट हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन से जनरेट हुआ, इस प्रेशर का नाम है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्या नाम है इसका, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और इसकी वैल्यू जो है वो है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, mmHg। ये एवरेज है, ठीक है, एवरेज लोगों का हम लोगों ने लिया हुआ है। हालांकि बाज जब आप एक एक बंदे का रिकॉर्ड करोगे तो बाज़ औकात 130 होगा, नॉर्मल शख्स 130 होगा,
किसी का जो है 125 होगा. सो हम लोगों ने एवरेज लिया हुआ कि एवरेज इज 120 mmHg. ये जो mmHg है, जिस तरह वजन का अपना यूनिट है किलोग्राम, में लंबाई का यूनिट है मीटर, तो प्रेशर को नापने का भी यूनिट होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इसका यूनिट है. आप इससे परेशान मत, mmHg क्या है, इसका यूनिट है. तो 120 mmHg जो है इस बड़े प्रेशर का यूनिट है जो कि वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ. अब और मजे की बात, अगर ये 120 mmHg का प्रेशर है, तो ये प्रेशर जो है अब ये ट्रांसमिट होकर के आपके इस एओर्टा में आएगा. एओर्टा में भी वो ब्लड प्रेशर जो है वो अभी भी 120 ही होगा. लेकिन अब आप देखिए, यहां पर ये जो ब्लड आ रहा है इस एओर्टा के अंदर, चूंकि आपका जो यहां पर एक वैल्व भी है, ठीक है, यहां पर एक वैल्व भी है. मेरे पिछले वीडियो में आपको जब मैं हार्ट का स्ट्रक्चर बता रहा था, तो मैंने कहा यहां पर वैल्व भी है, तो वो जो वैल्व है उसको हम खोल देंगे. सो लेट्स सपोज उस वो वैल्व पहले इस कंडीशन में था, क्लोज्ड था. जब इसको हम खोल देंगे तो इस वैल्व की कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, ऐसे और ऐसे, ठीक है. अब ये वाल्व जब खुल जाएगा तो ब्लड इस एओर्टा के वाल्व को क्या करेगा, एक्सपेंड कर देगा, क्योंकि वो लचकदार है. तो आपकी आसानी के लिए मैं उसको कुछ इस तरह से लिख लेता हूं, ऐसे और यहां से भी ऐसे, ठीक है. अच्छा जनाब, ये आपका जो एओर्टा है उसको हमने क्या किया, डायलेट कर दिया, उसको थोड़ा सा हमने एक्सपेंड कर दिया. तो आपका जो ब्लड यहाँ पर आ रहा है, वो ब्लड ने यहाँ पर फोर्स लगाया, यहाँ पर फोर्स लगाया. अब आप लोग अगर फोर्स के बजाय प्रेशर का लफ्ज यूज करोगे, इट्स ओके, ठीक है. आप कहते हैं फोर्स लगाया या प्रेशर लगा रहे, ठीक है, तो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है यहाँ पर आपका, एक किस्म का ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं. ये जो प्रेशर है इस वक्त जो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन से आ रहा है. और आपको याद है कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्ट करता है तो उसको हम सिस्टोल बोलते हैं, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं तो उसको हम डायस्टोल बोलते हैं. तो ब्लड प्रेशर के लिए एट्रिया तो भी सिस्टोल करते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर में क्लिनिकली हम एट्रिया के सिस्टोल को कंसिडर नहीं करते हैं. ब्लड प्रेशर में हम सिर्फ वेंट्रिकल का जो कंट्रैक्शन है उसको हम लोग रिफर करते हैं, रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन. सो वो प्रेशर यहाँ पर आ गया, अभी भी यहाँ पर इसकी वैल्यू 120 mmHg है. अब आप देखें, ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है इसको ज़्यादा भी किया जा सकता है और इसको कम भी किया जा सकता है. मतलब ये ज़्यादा कैसे होगा, कब? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को अगर आपने ज़्यादा करना है तो आपको क्या काम करना होगा, आपको इंक्रीज करना होगा. मैं इस निशान के इंक्रीज करना होगा, एक चीज़ है उसको, एक वर्ड है, इसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट. आपने कार्डियक आउटपुट को ज्यादा का, व्हाट इज मीन बाय दिस कार्डियक आउटपुट, जब आपका वेंट्रिकल एक मिनट में ज्यादा ब्लड को पंप करेगा तो हम कहते हैं कि कार्डियक आउटपुट बढ़ गया है. यानी जब इस बहुत स्ट्रांग तरीके से पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, इसको हम कहते हैं बहुत स्ट्रांग तरीके से जब ये ब्लड को पंप करेगा तो बहुत ज़्यादा ब्लड जब आएगा तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा. हम कहते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ गया. तो आपका जो यहाँ पर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये इंक्रीज हो सकता है, 130-140 पे जा सकता है. तो यू कैन इंक्रीज इट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द कार्डियक आउटपुट. तो इधर पॉइंट नोट करना होगा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किस चीज से रिलेटेड है. तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज रिलेटेड टू द कार्डियक आउटपुट, और कार्डियक आउटपुट आपके वेंट्रिकल से रिलेटेड है, उसकी कंट्रेक्शन से. इसी तरह अगर आप सो रहे हैं रिलैक्स आराम से, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या होगा, आपका जो वेंट्रिकल है ये एक मिनट में उतना ज़्यादा ब्लड को पंप नहीं करेगा. तो उस केस में वो क्या करेगा, वो कम ब्लड को पंप करेगा. जब वो कम ब्लड को पंप करेगा, बाहर निकालेगा, तो प्रेशर भी कम लगाएगा. तो उसके हिसाब से फिर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, 120 से गिर भी जाएगा. तो ये था सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना और कम होना, जो कि सारा का सारा यहाँ पर आपने देखा. अब और आते हैं हम अपने दूसरे ब्लड प्रेशर की तरफ, जिसका नाम है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को समझने के लिए आपका हार्ट है,
एओर्टा है, वेसल है। अब इस ये जो वेसल है ये तो बहुत बड़ा सा लंबा सा है, देखो हार्ट आपका यहाँ पर है तो एओर्टा लंबा सा, फिर उसकी शाखें स्टार्ट हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लंबा फासला है। यहाँ से हम आपकी आसानी के लिए इनकी शाखें बताएंगे, ठीक है, जैसे कि जिसके छोटे से ब्रांचेज हैं, ये जो आपका ये ब्रांचेज हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए एक बड़ा सा पाइप है, आगे जाकर आप देख सकते हैं, आगे जाकर उनकी शाखें आ रही हैं। ये जो शाखें देखो इनका डायमीटर जरा देखो, इनका डायमीटर जरा देखो अंदर से, ये बहुत ज्यादा तंग है बनिस्बत है इसके, बहुत ज्यादा तंग है। तो आपने जरा आपने देखा होगा जब आप किसी पाइप के अंदर पानी जा रहे हो, अगर पाइप का मुंह को आप खोल के खुला छोड़ दोगे तो वहाँ से पानी बहुत ज़्यादा तो निकलेगा लेकिन पानी करीब गिरेगा, पानी जो है वो क्लोज आपके बिल्कुल सामने गिरेगा, लेकिन अगर आप उस पाइप के मुंह को थोड़ा सा प्रेस करके दबाओगे ताकि वो उसका मुँह तंग हो जाए, पाइप का नैरो हो जाए, तो फिर वही पानी जितना पानी उसके अंदर आ रहा है वो थोड़ा ज़्यादा फासला तय करेगा, पानी कम जाएगा, पानी कम जाएगा लेकिन फासला ज़्यादा होगा। यहाँ पर जो आपका प्रेशर है वो असल में आपने उसको बढ़ा दिया, प्रेशर आपने बढ़ा दिया, तो यहाँ पर जो आपके शाखें आ रही है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ब्लड को एक किस्म का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि कोई चीज़ जो पहले इतनी खुशी से आराम से फ्लो कर रहा था अब आपने उसके रास्ते में कोई रुकावट डाल दिया, अब ये अपने को तंग सा फील करके फिर वहाँ से मूव करेंगे, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस को RESIS रेजिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बोलते हैं, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बोलते हैं, या आप उसको टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस TPR टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब आते हैं, अब आपका जो वेंट्रिकल है वो अब रिलैक्स होने वाला है, वो अब डायस्टोल की तरफ जाएगा। जब ये वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, पहले तो उसने कंटेक्ट, अब जब ये रिलैक्स होगा, रिलैक्स होने के बाद क्या आपको लगता है कि अभी भी वो जोर, वो अभी भी वो प्रेशर खून के पीछे आ रहा होगा, यानी यहाँ से जो एक प्रेशर ने फोर्स ने ब्लड को पंप करना था अब वो प्रेशर नहीं रहेगा, जो पीछे से जो एक धक्का मिल रहा था खून को वो अब नहीं मिलेगा। सो अब क्या होगा, अब ये जो आपका वैल्व है, ये जो सेमिलिनर वैल्व है, ये वैल्व अब यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको क्लोज कर देंगे, ये बंद हो जाएगा। जब ये वैल्व बंद हो जाएगा तो वहाँ से जो फोर्स था वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ब्लड है, ये ब्लड तो अभी भी है, इस तरह से नहीं कुछ आगे गया, वो ब्लड अभी भी यहाँ पर है, लेकिन इस ब्लड पर अब ये जो दीवार है, आर्टरी का जो दीवार है, ये आर्टरी का दीवार चूंकि लचक रखता है ना, एक किस्म का वापस अपनी जगह अपनी तरफ आएगा, ठीक है। जैसे आर्टरी को ब्लड ने एक्सपेंड किया था, अब वो प्रेशर की वजह से, जब वो प्रेशर नहीं रहा तो ये आर्टरी वापस अपनी हालत में आएंगे, रिकॉइल करेंगे अपनी हालत में आएंगे। जब ये अपने हालत में आएंगे तो मैं उसको दोबारा से इस तरह लिख रहा हूं, आप जब ये आर्टरी दोबारा अपने हालत में आएंगे तो उस पर क्या होगा, आपका जो आर्टरी है, अब इस बार जरा कंडीशन अलग है, इस बार आर्टरी आपके खून पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, इस बार आर्टरी उसको प्रेशर एग्जर्ट करेगा ब्लड के ऊपर। तो अब जाहिर है कि कुछ ब्लड जो है उस प्रेशर की वजह से पीछे की तरफ आएगा, लेकिन पीछे तो वैल्व बंद है, पीछे तो ब्लड नहीं आ सकता, अलबत्त इसी प्रेशर की मदद से अभी भी जो आपका ब्लड है वो आपके इन जो शाखें हैं जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस, इनके अंदर आपका ब्लड फ्लो करेगा। अब ये एक यहाँ पर एक नया प्रेशर आएगा सिस्टोल के बाद, जब आपका वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा, अब एक नया प्रेशर आपके पास आ जाएगा, उस प्रेशर का नाम क्या है, डायस्टोल। अब जाहिर है वो डायस्टोल प्रेशर कम होगा क्योंकि यहाँ पर तो जोर था, एक दबाव था उसके पीछे, लेकिन अब जो नया प्रेशर आ रहा है जिसको यहाँ पर एक किस्म की रेजिस्टेंस मिल रही है, उस प्रेशर का नाम क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड
प्रेशर। अब ये जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, इसकी वैल्यू, एवरेज वैल्यू जो है वो है 80 mmHg, और आप डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम और ज्यादा कर सकते हैं जिस तरह आपने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम या ज्यादा किया था। लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का कार्डिक आउटपुट के साथ कोई लेना देना नहीं है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का जो रिलेशन है वो ये जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है इसके साथ है। मतलब वो कैसे, अगर आप चाहो तो आप इन शाखों को, ये जो शाखें हैं इसको भी, इसका डायमीटर आप बड़ा कर सकते हैं। मतलब ये जो शाखें हैं इसकी डायमीटर आप बड़ा कर सकते हैं, आप बिल्कुल इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आप देखो ये, अच्छा ऐसे ऐसे, ठीक है। अब आप गोल दायरे देख सकते हैं, इनका डायमीटर आप बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, आपकी बॉडी में कुछ नॉर्मल आप कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, हॉर्मोन्स हैं जो इनको बड़ा कर देगा, और साथ साथ आप बाहर से कोई दवाई भी ले सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ड्रग्स हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेजो डायलेटर्स, अट्रियो डायलेटर्स। वो क्या करेंगे, वो आपके इन वेसल्स को, डायमीटर को बड़ा कर देगा। जब वो इन डायमीटर को बड़ा कर देगा, अब आपके खून को उतना ज्यादा रेजिस्टेंस तो नहीं मिलेगा, तब तो खून बड़े आराम से, तंगी महसूस नहीं करेंगे, आराम से फ्लो करेंगे। तो यहां पर हम कहते हैं कि आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को क्या कर दिया आपने, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को आपने कम कर दिया। और अगर आपने इसको तंग कर दिया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, कुछ ड्रग्स हैं जो इसको कॉन्स्ट्रिक्ट, और आपकी बॉडी में ही कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो इसको तंग करते हैं, आपका बॉडी खुद ही इसको रेगुलेट करते हैं, कभी ये इसको उसको फील होता है तो इसको तंग करते हैं, कभी ये उसको डायलेट करते हैं। लेकिन अगर इसको तंग किया जाए, लेट सपोज मैं आपके लिए वो दायरा थोड़ा छोटा लिख लेता हूं, अभी देखो इस तरह से ये, अभी देखो इसको मैंने छोटा कर दिया, अब इसको अगर तंग कर दोगे तो उससे क्या होगा, वो जो पाइप का मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर किसी रबड़ वाले पाइप के अंदर पानी जा रहा है और वो उससे पानी बाहर निकल रहा है तो शायद वो थोड़ा करीब जाकर गिर रहा होगा, लेकिन अगर आप उसके मुंह को दबाओगे, प्रेस करोगे, तो वो पानी फिर ज़्यादा फासला तय करेगा। वहाँ पर आपने उसका प्रेशर का असर बढ़ा दिया, तो यहाँ से आपने क्या कर दिया, इसने अब आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या करेगा, ये बढ़ जाएगा। यानी अगर आपने पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया तो आपका ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर आपने पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम कर दिया तो ये कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है इसके सामने हमने लिखना क्या है, इसके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के सामने हमसे इतना लिखना है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, कार्डियक आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है, ये हम लोगों ने लिखना है, कार्डियक आउटपुट, ठीक है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पर, ठीक है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है, और इसे चेंज भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ तक था हाइपरटेंशन का जो टॉपिक था, ब्लड प्रेशर का, वो आपको मैंने बता दिया। यह तो उसे ब्लड प्रेशर था, हाइपरटेंशन क्या, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, हाइपरटेंशन का मतलब ये है कि जब आपका ब्लड प्रेशर, एक मेडिकल कंडीशन है, बीमारी है ये, जब आपका ब्लड प्रेशर अपने नॉर्मल वैल्यू से तजावज करके ज्यादा चला जाए, मतलब या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाए, लेकिन एक दिन के लिए नहीं, कभी कभी नॉर्मली किसी भी शख्स को जो है कभी थोड़ा सा बहुत गुस्सा आया, वो ऊपर हो गया, नॉर्मल कंडीशन में इसको नहीं कहा जा सकता मेडिकली। अगर मुसलसल आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, ठीक है, और आपके ब्लड प्रेशर को मुसलसल आप देख रहे हैं कि वो ऊपर आ रहा है और उसने 120 को क्रॉस किया, 130, 140, 150, 160, 180, तब जाकर आप ये कह सकते कि ये हाइपरटेंशन का मरीज है। तो हाइपरटेंशन का मतलब क्या है, इन इंक्रीज अ वेरी हाई इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन की वजह से जो जो डिजीज आते हैं उसमें शामिल है कार्डियक हार्ट फेलियर, ठीक है, इसमें शामिल है MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको दिल के कुछ बीमारी, डिजीज भी आपको बताऊंगा,
इंशाल्लाह वहाँ आपसे दोबारा मिलेंगे। ये टॉपिक आपने सीख लिया होगा, समझ आ गया होगा, हमें लाइक ज़रूर दीजिएगा। लाइक के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको नए आने वाले वीडियोज़ आपको प्लेस मिल जाए। मुस्कुराते रहे हमेशा की तरह। अल्लाह हाफिज़।